नमस्ते। टुडे वी गोइंग टू डू हॉरोस्कोप एनालिसिस फॉर अ वेरी पावरफुल वुमन। यस, जय ललिता। आई एम पूजा शर्मा, योर फ्रेंड, गुरु एंड गाइड, एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द हॉरोस्कोप ऑफ जय ललिता एंड वी गोइंग टू फाइंड आउट वॉट मेड हर अ सक्सेसफुल एक्टर एंड अ पॉलिटिशियन। यस, she was the chief minister for Tamil Nadu for 6 terms, not one, not two, but 6 terms. So she has a fantastic successful political career. Before that she was a great actor. She did about 140 movies, and wherever she went she created new milestones. She was super talented, very beautiful. तो आज के ये वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं जय ललिता की कुंडली का, कि उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग हैं, क्या राजयोग हैं, राजयोग हैं तो एक से अधिक हैं, ऐसा क्या है उनकी कुंडली में जो उनको इतने ऊंचाइयों के शिखर पे गया, मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना। हर्स इज अ टिपिकल स्टोरी ऑफ फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। जी हाँ, चाइल्डहुड में खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उनकी मदर अकेले काम करती थी, सिंगल पेरेंट थी, और वहां से लेकर इतनी ज्यादा सक्सेस उन्होंने कैसे पाई, ऐसा उनके हॉरोस्कोप में क्या है, तो ये मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज। ये देखकर आप लोग अपने हॉरोस्कोप में भी देख सकते हैं क्या वो राजयोग आपके हॉरोस्कोप में है या नहीं। तो ये जानकारी के लिए, केस स्टडी के लिए वीडियोज हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज के हॉरोस्कोप को पढ़ना समझना, जिससे थोड़ी सी हमारी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बढ़ेगी, उस साइंस के लिए, ऑकल साइंस के लिए हमारी एप्रिसिएशन बढ़ेगी, और वो योग हम देखेंगे कि हमारे हॉरोस्कोप में है या नहीं। तो ये जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है हॉरोस्कोप बनाया है जय ललिता का, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ मार्क किया गया है। मिथुन लगन की जेमिनाई एसेंडेंट की ये कुंडली है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24 फरवरी 1948, प्लेस ऑफ बर्थ मैसूर, समय है दोपहर का 3 बजे, 3 PM इज द टाइम, एंड लाइक आई सेड लगन इज मिथुन, जेमिनाई कुंडली है एसेंडेंट, तो जो लॉर्ड है वो मर्करी है। और ये मैंने हॉरोस्कोप प्लॉट किया है, हम पहले और वीडियोस बना चुके हैं जो 12 हाउसेस है, कौन सा हाउस किस लिए होता है, अगर आप दोबारा से वो रिफ्रेश करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का वो वीडियो देखें। अभी के लिए 12 हाउसेस में मैंने यहाँ पे सारे जो है प्लैनेट्स और राशियां प्लॉट की है। जैसे हमने देखा है नंबर 3 लगन में है, एसेंडेंट में मिथुन, जेमिनाई है, लॉर्ड है मार्स जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं सूर्य के साथ। ये अगर हम प्लैनेट्स देखें, फर्स्ट हाउस में ये हुआ, सेकंड हाउस में हमारे बैठे हैं शनि, थर्ड हाउस में हमारे हैं मार्स और मून, उसके बाद हमारे फिफ्थ हाउस में है केतु, सिक्स्थ हाउस में हम बाद में इस पे आएंगे, सेवन्थ हाउस में हमारे जुपिटर, और हमारे 9th हाउस में है सन और मर्करी, 10th हाउस में है वीनस, और 11th हाउस में है राहु। अब इसमें एक नहीं बट इस कुंडली में 4 राजयोग हैं। या व्हाट इज सो स्पेशल इज नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री, बट 4 राजयोग्स इन दिस कुंडली दैट मेड हर द चीफ मिनिस्टर सर्विंग 6 terms इन तमिलनाडु एंड सच अ सक्सेसफुल करियर बोथ इन एक्टिंग एज वेल एज पॉलिटिक्स। तो वो 4 राजयोग क्या है, लेट्स फर्स्ट सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल In the third house, we have moon and Mars together. So this becomes a Raj Yog. This is known as Chandra Mangala Yog. Like I've marked here, Chandra Mangala Yog, आपका ये बन रहा है। जो हमारा थर्ड हाउस है वो हाउस है हमारा बेसिकली लाइफ में एडवेंचर्स का, पराक्रम का। तो ऐसे लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचते नहीं है और जो करना होता है कर लेते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द राजयोग हियर, लाइक आई सेड चंद्र मंगला योग, बिकॉज वी हैव मार्स एंड मून टुगेदर, नंबर 1। सेकंड राजयोग इज जुपिटर इन इट्स ओन हाउस हियर, 7th हाउस, दिस इज पंचमखा पुरुष योगा, दिस इज वन ऑफ द राजयोगा। देन थर्ड इज अगेन वीनस, ये उच्च के शुक्र है, जो वीनस है उच्च के हैं, और ये इस हाउस में 10th हाउस में है। 10th हाउस है हमारा वर्क का, हमारे प्रोफेशन का, जो भी हम काम करते हैं हमारे व्यवसाय का। सो दिस इज ऑल्सो पंचमखा पुरुष योगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द राजयोगा।
And the fourth Raj Yoga is here in your ninth house, where we have Sun and Mercury together. This is known as Adi Yoga. So this is a Raj Yoga. So four Raj Yoga we've got in this Kundali. One, like I said here, which is Chandra Mangala Yoga, because we have Moon and Mars together. Second, as I said, is here Jupiter, seventh house. And third here, Venus, Uch ke jo hai Venus. Both of these are Panchamakha Purusha Yoga. And then fourth one is here, where we have Mercury with Sun. This is Adi Yoga. So four Raj Yoga. Also, Rahu in 11th house is also very good for politics. So this is also responsible to give her a great political career, because Rahu is sitting in 11th house. So this also gave her political success. Now, another thing that we should notice here is the ascendant Gemini, Mithun ka jo Lord hai, Mercury hamara yahan par hai, aur ye Surya ke saath hai. And just look at it, Sun and Moon, if we look at it, is totally at 180 degrees opposite. So Sun aur Moon ki jo drishti ek dusre pe pad rahi hai, 180 degrees. So this also, Surya ke saath ye parakram jo aa raha hai, this also made her very powerful. Such kind of people become leaders. They do walking the talk. Jo wo bolte hain, wo khud karte hain. Aur wo bahut fast decision lete hain. Aur ek baar decision le liya to le liya, phir kisi ki nahi sunte hain. And bahut khuddar hote hain. Bahut logo ko achhi salah dete hain. Lot of people seek advice, suggestions from her, because they are very, very beneficial to them. So these are few things. Also now, it is good to take a note of your 6th and 8th house, because 6th house gives you government blessings and 8th house gives you government gains. So these two houses are also important when we see any political success of a celebrity, of a person. If we look at it, these houses are here. Jupiter, we've already spoken about. One more thing I want to say. Iske kendra mein, center mein, kendra mein do Brahmin grah hai, planets hai, jo ki hai Jupiter and Venus. Guru aur Shukra, ye dono center mein Brahmin planets hai. Jupiter kya karta hai? Knowledge ya wisdom, gyan deta hai. Aur Shukra kya deta hai? Uske through hame name, fame, luxury deta hai. To ye dono center mein, kendra mein hamare Brahmin planets hai. Ye bhi ek bahut acha yog hai. कुल मिला के ये जो हॉरोस्कोप है बहुत ही बढ़िया है. लाइक आई सेड, इट इज गॉट मल्टीपल राजयोग. एंड ये हॉरोस्कोप देखते ही पता चल जाता है कि इस हॉरोस्कोप ये जिसका हॉरोस्कोप है वो जो है ऊंचाइयों के शिखर छुएगा. जहां भी जाएगा पॉलिटिकल करियर में भी उन्हें जो है बहुत सक्सेस मिलेगा. सो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस एज अ केस स्टडी एंड आई प्लान टू मेक मोर वीडियोस, रिलीज मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज. आप कमेंट्स में, व्हाई डोंट यू लीव इन द कमेंट्स, यू नो, ऑन व्हिच ऑल सेलिब्रिटीज यू वुड वांट अस टू मेक सच वीडियोस. Whose you know horoscope kundali should we analyze as a case study, so that you can learn, so that you know why such people are successful. We understand that any person is successful because of their hard work, because of their luck, destiny, because of the support system they have, because of the cooperation and the blessings that they get. However, horoscope also has a great role to play. Please understand, this is a blueprint of your karmas. This is basically your account balance of what you're carrying forward from your previous birth. Like you go to a bank and you have a different account, savings account, credit account, with minimum, you know, with different policies, different minimum balance required. Similarly, our horoscope is reflection of what we did in our last birth, what got carried forward to this birth, and how we started, and like that. This is 100% scientific. If you have any other question, leave it in comments. Also, if you want to get your own horoscope prediction done, then in the description box, we're going to leave our contact details. You can book your session there. Thank you so much for watching this video. Please like it and share it with the people whom you think this will interest and benefit. I love you all. Thank you so much. Namaste.